केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय द्वारा हरियाणा प्रदेश के जिला गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में ऑटोमेटिक तकनीक के 2 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित किए गए हैं, जिन पर लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है। आईकैट सेंटर में ऑटो इंडस्ट्री के लिए विकसित की गई 4 नई विश्व स्तरीय टेस्टिंग सुविधाओं का लोक उपक्रम मंत्री अनंत जी गीते ने उद्घाटन किया। और कहा कि आईएमटी मानेसर में विकसित किए गए आईकैट के दोनों सेंटरों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए विभिन्न प्रकार की 16 टेस्टिंग सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जो कि विश्व स्तरीय हैं। उन्होंने कहा कि अब केवल टेस्ट ट्रैक सुविधा विकसित की जानी है, जिसके बाद आईकैट मानेसर पूर्ण रूप से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए टेस्टिंग सेंटर बन जाएगा और यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री को हर प्रकार की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध होगी। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर अभिषेक के साथ गुरुग्राम से सूरज दूहन की रिपोर्ट। तकनीकी के युग में दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है और हमें उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो सारी ऑटो इंडस्ट्री है जो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, नई नई व्हीकल आ रहे हैं, तो उनके लिए आवश्यक जितनी भी टेस्टिंग की सुविधाएँ, डेवलपमेंट की सुविधाएँ, यह सारी सुविधाएँ उपलब्ध होनी आवश्यक है, तभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ सकती है।